नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आयुष्मान भारत योजना की अभी शुरुआत भर हुई है कि लाभार्थियों की लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। जरूरतमंदों को इलाज में सहायता पहुंचाने के लिए शुरू हुई इस योजना में मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभार्थी बना दिया गया था, कुछ रोज पहले की खबर है। तो कहीं उन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जी हां, मरे हुए लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। थोड़ा पीछे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पूरे परिवार को आयुष्मान योजना के लाभार्थी के तौर पर दर्शा दिया गया। जब ये बात मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने पूरे परिवार का नाम योजना के लाभार्थियों की सूची से हटाने को कहा। मंत्री का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कैसे उनका नाम जोड़ दिया गया, जबकि वह इस दायरे में आते ही नहीं। लेकिन कौशाम्बी से जो खबर आई उसने चौंका दिया है। यहां सिराथू विकासखंड के कोमा गांव में लगभग 351 लाभार्थियों के लिए शासन ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड बनाया। लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का यहां जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। गांव की आशा बहुओं ने आरोग्य कार्ड बांटना शुरू किया तो ग्रामीण भौचक्के रह गए। जिन लोगों के नाम आरोग्य कार्ड जारी किए गए हैं उनमें से दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, यानी वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें लाभार्थी के तौर पर दर्शा दिया गया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी आशा बहुओं ने मृतक लाभार्थियों के कार्ड उनके परिजनों को सौंप दिए। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी मनीष वर्मा से की तो डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वैसे पहली मर्तबा नहीं है जब किसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ या कहें कि लाभार्थी जब बनाने की बात आती है तो पात्र लोगों को छोड़कर अपात्र लोगों को रेवड़ी की तरह लाभ देने की कोशिश होती है। शायद उसी में से एक खबर यह भी है, आयुष्मान भारत योजना मामला ये है कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो जरूरतमंदों को नहीं बना है और जो नहीं है मुर्दों का है उनका बन गया है। मामला ये है कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो जरूरतमंदों को नहीं बना है और जो नहीं है मुर्दों का है उनका बन गया है। तो जरूरतमंद लोग जो हैं उनका कार्ड नहीं बना और मुर्दों का आयुष्मान भारत कर दिया। बड़ी अजीब सी बात है, हिंदुस्तान में एकाएक गड़बड़ियां इतनी ज्यादा योजनाओं में देखी जा रही हैं। पात्र लोगों को लाभार्थी न बनाकर उस योजना का लाभ न देकर अपात्र लोगों को उस योजना में शामिल कर दिया जाता है। बकायदा कई लोग तो योजनाओं का लाभ ले भी जाते हैं। प्रशासन से लेकर शासन तक का किसी को कानोकान कोई खबर नहीं होती है। ऐसी ही कुछ खबर ये कौशाम्बी से सामने आई, मृतकों के नाम जारी किए गए आरोग्य कार्ड। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है तो डीएम साहब भी नींद से जागे और अब कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होगी इस पूरे मामले की। संज्ञान में ले लिया गया है मामला। तो क्या आयुष्मान भारत योजना के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आयुष्मान भारत योजना किसके लिए बनाई गई? क्या उन लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? उस लाभार्थी सूची में उनका नाम आ रहा है या फिर गड़बड़ियों की वजह से मुर्दों को तकरीबन दर्जन भर मुर्दों को इस सूची में शामिल कर दिया गया? इसका विरोध भी हुआ लेकिन जिनके कंधों पर इस कार्ड को उन परिवारों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है उन्होंने कार्ड उन लोगों तक पहुंचा दिया जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, यानी उनके परिवार को दे दिया गया। अब डीएम ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला तब भी सुर्खियों में आया था जब कानपुर से आने वाले सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके परिवार को इस आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बना दिया गया, जबकि उन्होंने खुद बाद में आकर यह कहा कि वो इस योजना के दायरे में आते ही नहीं है। लेकिन गड़बड़ी हुई जरूर, और ऐसी गड़बड़ियां कितनी हुई होंगी मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। और कौशाम्बी से एक खबर बता रही है जहां मुर्दों के लाभार्थी कार्ड बना दिए गए। सिराथू विकासखंड के कैमा गांव से लगभग 251 लाभार्थियों के लिए शासन ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जिसमें दिया जाता है नाम है आयुष्मान भारत आरोग्य योजना,
इसके लिए कार्ड बनाया, लेकिन केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का यहां जमकर माहौल उड़ाया गया। गांव की आशा बहुओं ने आरोग्य कार्ड बांटना शुरू किया तो ग्रामीण भी बहुत चक्के रह गए, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा था, जो लोग लाभार्थी हैं, जो लोग जिंदा हैं, जिन लोगों को इस योजना का लाभ असल में मिलना चाहिए, उन लोगों के कार्ड तो बनते नहीं। और शायद यहां भी स्थानीय शख्स ये बता रहे थे कि जो लाभार्थी हैं, जिसे जो जरूरतमंद है, जिन्हें कार्ड की जरूरत है, उनका कार्ड न बनाकर मुर्दों के नाम पर कार्ड बना दिया गया। जिन लोगों के आरोग्य कार्ड जारी किए गए उनमें से दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, तो समझ सकते हैं कि इस देश में योजनाएं कैसे परवान चढ़ती हैं। और ये आयुष्मान भारत आरोग्य योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तमाम उन गरीब परिवारों के लिए, असहाय परिवारों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, जो लोग इलाज न मिलने की वजह से जान गंवाते हैं, नुकसान उठाते हैं। लेकिन यहां हो कुछ और ही रहा है। योजनाओं को लेकर कई बार बात हुई, लेकिन आज एक बार फिर से आयुष्मान भारत योजना को लेकर बात होगी। तब भी बात हुई थी जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पूरे परिवार का नाम इस सूची में शामिल कर दिया गया, लाभार्थियों की सूची में। तब भी इस पर चर्चा हुई थी कि जब गोल्डन कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही थी, लंबी लंबी कतारें लग रही थी, चाहे ऑनलाइन बने या किसी और तरीके से, यह खबर उत्तराखंड से आई थी, लेकिन कौशाम्बी की खबर ने चौंका दिया है। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और सवाल जवाब करते हैं। जेपी पांडे जी बीजेपी से, रफत फातिमा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं, जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। सबसे पहले जेपी पांडे जी आपके पास आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का मकसद सभी जानते हैं, लेकिन इससे इतर जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं या गड़बड़ियां की जा रही हैं, जो लाभार्थी नहीं है उनको लाभार्थी सूची में शामिल किया जा रहा है, हद तो तब हो जाती है जब मुर्दे लोगों को भी कार्ड बना दिया गया, उनको भी उनके परिवार तक पहुंचा दिया गया। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आयुष्मान भारत योजना भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पे एक कीर्तिमान है। अब जहां तक ये आप दिखा रहे हैं, चूंकि 5 लाख का बीमा कवरेज हेल्थ का मिल रहा है और लगभग हमारी 40% आबादी उसमें आएगी, अब ये जो गड़बड़ी आप दिखा रहे हैं ये निश्चित रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, और सत्ता में हमारा दल है, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, डीएम साहब ने जांच का आदेश दिया है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि गड़बड़ियां इसके पहले की जो योजनाएं, जो सीधा लाभ मिलता है व्यक्ति को, जैसे पेंशन योजना हो या किसी भी तरह की सब्सिडी योजना हो जो उनके अकाउंट में जाती हो, तो उसमें एक साजिश साफ साफ दिखती है, लेकिन इसमें लापरवाही हुई होगी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, चूंकि ये पूरा जो लाभ मिलना है कवरेज वो कैशलेस है और इसके मानक तो तय है साफ साफ, एससी एसटी को आधार कार्ड पे ही है या बाकी लोगों के लिए भी जो है वो बायोमेट्रिक फीचर है, तो वो मुर्दे का नाम आगे करके कोई उसका आर्थिक लाभ तो नहीं ले सकता। लेकिन जिस भी कर्मचारी ने ये लापरवाही की है, उसको संज्ञान में नहीं लिया, पुष्टि नहीं की, पुराने आंकड़ों पे बनाया है, वो तो जांच होगी, डीएम साहब ने कहा है, फिर भी आपको हम बधाई देते हैं कि मीडिया का आप रचनात्मक दायित्व तो निभाए और उससे कार्रवाई तुरंत हुई, कम से कम आगे सबक लेगा प्रशासन। जितेंद्र वर्मा जी, जी सरकारों की महत्वाकांक्षी योजनाएं इसी तरीके से प्रवान चढ़ती हैं, कभी पेंशन वाले मामले पर, अभी आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर, जब जब जो भी योजना लॉन्च हुई उस योजना में प्रश्न चिन्ह जरूर लगा और इस योजना पर भी लग रहा है। अब यहां पर जेपी पांडे जी कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर किसी को सीधा लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन गड़बड़ियां जमकर हो रही हैं। सबसे पहली बात, भाजपा सरकार में किसी भी योजना का लाभ जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, यह सरकारी तंत्र का फेल्यूअर तो है ही है, साथ ही सिस्टम का फेल्यूअर है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला बनता है। कौन लोग हैं जो इस तरह से कार्ड जारी कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो जिनकी साजिश से कार्ड जारी हो जा रहा है, यानी आपकी योजना बन रही है और जिन गरीबों को उसका लाभ मिलना चाहिए उन गरीबों को लाभ न मिलके अमीरों को भी लाभ मिल रहा है। बताइए नरेश अग्रवाल कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं और उनके नितिन अग्रवाल बेटे भी कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं, सतीश महाना भी बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों के नाम कार्ड जारी हो गया। घोर लापरवाही के साथ साथ कहीं न कहीं साजिश है और भ्रष्टाचार
में लिप्त है, तभी तो ये अमीरों के कार्ड कैसे जारी हो जा रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ गरीबों को दिया जाना है तो क्यों ये अमीरों के कार्ड जारी हो रहे हैं? यानी सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा और सरकार की निगरानी में सिस्टम काम करता है, तो आप भी तो बच नहीं सकते, सरकार भी तो नहीं बच सकती है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या उनसे लापरवाही हो गई या उनसे गलती हो गई। अरे इस गलती से किसी गरीब का हक मारा जाएगा भाई, किसी गरीब का हक तो मारा जाएगा इस गलती से या आपके सिस्टम के फेल्यूर से या लापरवाही से। तो कहने का मतलब सारी योजनाएं केवल कागजी हैं, जमीनी हकीकत उनकी कुछ और है। सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है, कागजी स्तर पर केवल हवा हवाई, और उन योजनाओं का बड़े स्तर पर विज्ञापन से प्रचार कहीं टीवी माध्यम से कहीं तो समाचार पत्र पे तो केवल प्रचार ही प्रचार है, कहीं काम नहीं दिख रहा है। काम दिख रहा होता तो पब्लिक कहती, अब पब्लिक ही चिल्ला रही कि भाई हमारे जिले में लाभ हमें मिलना था, मिल गया उनको जिनको नहीं मिलना चाहिए था। इस तरीके से सभी योजनाओं में सामने आया, अकेले आयुष्मान योजना नहीं है, जो भी योजनाएं इन्होंने इनकी सरकार में चलाई उसमें जनता का ही सीधे कहना है, नेता नहीं, जनता पहले आती ना सामने। जनता कह रही है कि भाई हमें लाभ नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको ना मिल रहा, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसके बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले अन्न का घोटाला हो गया, बताइए कई सौ करोड़ का वो घोटाला था, अन्न का घोटाला, फर्जी मतलब वो कार्ड और अपना अंगूठा लगा के लोगों ने पैसे हड़प लिए, उसमें कई अधिकारी भी बड़े शामिल थे। तो अनाज घोटाला, चावल घोटाला भी हो गया, गेहूं घोटाला भी हो गया, तो कैसे ये घोटाले हो जा रहे हैं? आप बता रहे हैं हम टेक्नोलॉजी की तरफ देश को ले जा रहे हैं, आप बता रहे हो कि हमने अंगूठे से मशीन का उपयोग करके भ्रष्टाचार रोक दिया, आधार कार्ड से लिंक कर दिया, कहीं कहते हो आप हमने कोई टेक्नोलॉजी ले आए, सारी टेक्नोलॉजी भी आपकी फेल्यूर हो गई, आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाए, यानी वहां पर आप भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब हुए। अगर कामयाब हुए होते तो भ्रष्टाचार खुल खुल के सामने नहीं आ रहे होते। तो इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोका कैसे जाए, ये कोई सरकार कभी कोई मशीन बना ही नहीं सकती। ये अंगूठे वाली बात जो कर रहे हैं ना, लोगों ने नकली अंगूठे बना दिए, वो एक बार खबर आई थी कि वो उस अंगूठे का इस्तेमाल हो रहा है। जी, बड़े स्तर पे इसको आपने चलाया था। जी जी, रफत फातिमा, आपने बड़े स्तर पे इसको चलाया था। जी 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 पंकज, ये योजनाएं बनती हैं गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, लेकिन मुर्दों को कार्ड इश्यू हो रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरीके की घटनाओं को कम से कम जनता के सामने लाया जा रहा है, और ये बहुत अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की लापरवाही जता रही है। जी, क्योंकि इस तरीके की जो जिंदा लोगों को ये कोई ऐसा कोई काम कर नहीं रहे, जो जिंदा लोगों को कोई उसकी वो पहुंचे, जरा सा भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी जनता त्रस्त है, लेकिन मुर्दा लोगों के इस तरीके से अगर ये सिस्टम में लापरवाहियां हो रही तो ये बहुत बड़ा जो है इशू है। इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जांच का भी विषय है, और अभी एक घटना नहीं है, हम आपको दो घटनाएं और अभी 2016 की है कि उसमें यह होता है कि एक औरत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाती है, पति का उसका खुद का बन जाता है जब वो लेने जाती है। एक ऐसी बीपीएल का था कि उसमें मृत बता दिया गया उसको, वो बेचारा राशन लेने जब जा रहा तो उसको भगाया जा रहा है कि आपका मृत सूची में मृत लिखा हुआ है, तो सरपंच के पास गया तो सरपंच कह रहे हैं कि मैं आपको जिंदा करवा दूंगा। तो ये बड़े अजीब सी जो है सिस्टम में जो है लचर स्थिति आ गई है, जब ये लगातार 5 सालों में, लेकिन इसको कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ये जनता के गरीब जनता के लिए योजनाओं का महिमा मंडन किया जा रहा है कि हम गरीब जनता को दिया जा रहा है, लेकिन गरीब जनता को कुछ इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जब आप आयुष्मान भारत की बात करते तो इतनी महिमा मंडन उसकी, और डिजिटल तरीके से जब इतना डिजिटलाइज करा गया है तो फिर ये कैसे लापरवाही हो रही है, ये सोचने का विषय है। तो इस पर कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है, और ऊपर से नीचे तक जो भी इसमें संलिप्त है उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, जेपी पांडे जी, देखिए ना, तमाम सियासी पार्टियों के अपने कार्यकर्ता होते हैं, और हमारे भी अपने सहयोगी, हमारे भी रिपोर्टर होते हैं, जो रिपोर्टर जानकारी हमको देते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं। आपके कार्यकर्ताओं का काम, चाहे कोई भी पार्टी है, उस कार्यकर्ता का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए, कौन सा तबका किस तरफ जा रहा है इस बार, वहां फोकस करना है, कैसे करना है। क्या ऐसी खबरें कार्यकर्ता सरकार तक नहीं पहुंचा सकते? मैं इस सवाल को इसलिए कह रहा हूं, कल एक खबर आई थी, अब मुझे जिला मालूम नहीं है वो खबर कहां से आई, एक स्कूल है, उस स्कूल से 7 या 9 अध्यापक पिछले 2 साल से गायब हैं। कई बार उनके पतों पर शिक्षा विभाग ने पत्र भेजा, आप कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, कोई जवाब नहीं आया। अब अखबार में एक विज्ञापन जारी किया है, वो खबर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये लापरवाही है,
कानों कान खबर तक नहीं किसी को कि दो साल से सात शिक्षक गायब है, किसी को खबर नहीं कि योजना बना दी, उस योजना के तहत क्या धरातल पर उन जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है या फिर कोई उसका फायदा उठा रहा है, कोई मलाई काट रहा है। ये लापरवाही नहीं है, ऊपर पर ठीक है लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर नजर रखने की जरूरत है, कोई नहीं रखता। रौतेला जी, ये सवाल आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनीतिक दलों का संगठन बूथ लेवल तक सबका रहता, मजबूत रहता है, लेकिन ये कार्यकर्ता हमारे जो जनता में निचले स्तर पे विश्वसनीयता हासिल करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो, तो वो स्वाभाविक सी चीज है कि वो विद्यालय, तहसील, हॉस्पिटल तो वो लोगों को लेके जाते, वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। अगर जमीनी व्यक्ति है, चांदी के चम्मच लेके पैदा है तो वो अलग बात है, तो वो दो चार होता है और वो निश्चित रूप से संगठन के वाया शीर्ष नेतृत्व को सरकार के संज्ञान में आता है, तभी ये कार्यवाहियां होती हैं। लेकिन ये आपने जरूर कहा कि भ्रष्टाचार, चाहे जिस, आपने ही कहा कि चाहे जिसकी सरकार रही हो, लगता है कि कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई है, चूंकि इसका सरकारी जो जवाबदेही है वो तो हम लेते ही हैं, लेकिन जैसे हमारी बहन रफत फातिमा कह रही थी, तो भ्रष्टाचार ये आज की समस्या नहीं है। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं 85 पैसा लूट जाता। खैर, उसको आधार बना के हम औचित्य नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि ये इतना हाईटेक मतलब मानक इसके बनाए गए हैं जिसमें गुंजाइश ही नहीं है। एक तो सीधा लाभ नहीं मिलेगा और दूसरा आधार में थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उससे उस दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन एक चीज जरूर है, जैसा कह रहे थे जितेंद्र भाई, कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। कम से कम इस योजना में, आयुष्मान भारत में परिवार की संख्या किसी की कितनी है या कौन सा वर्ग कितना बड़ा है, इस आधार पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि जिंदा या मुर्दा एक लोगों को मिलना है, तो किसी का हक नहीं मारा गया। गलती है उसको हम स्वीकार करते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें जो है सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी उसकी पात्रता में आता है। जैसे जो बधुआ मजदूर है, निराश्रित है, एससी एसटी भाई है, इनको तो पूरे के पूरे समुदाय में एंट्री मिली है और बाकी बीपीएल कार्ड वालों को मिली है। हाँ, अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये योजना निश्चित रूप से भारत की तस्वीर बदल देगी। जैसा दीनदयाल जी कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा पढ़ाई दवाई भी, तो ये पहली बार भारत जो है बड़े स्तर पे वैश्विक विश्व की बड़ी चर्चा है, इस पे बहुत बड़ी योजना है, कुछ खामियां हैं उनको निश्चित संज्ञान में लेके सरकार इस पे सख्त कार्यवाही करेगी, क्योंकि आदरणीय योगी जी की कम से कम भ्रष्टाचार के प्रति जो छवि है वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है और शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान में लेगा। जी जितेंद्र वर्मा जी, इसकी गारंटी क्या पांडे जी हमको देंगे? वो गारंटी ये है कि जब निचले स्तर पर आज लापरवाही हो गई, मुर्दों का कार्ड बन गया, अब वो कह रहे हैं कि दूसरा फायदा नहीं उठा सकता, दूसरा फायदा न उठा सके, लेकिन जिसका कार्ड बनना था 251 लोगों के नाम, लाभार्थियों के नाम उस सूची में जाने थे, दर्जन भर से ज्यादा उसमें मुर्दे हैं, वो दर्जन भर लोग कुछ और हो सकते थे वो मुर्दों के नाम पर। और दूसरी चीज ये कि आज गड़बड़ी हुई है और कल लाभ पाने के लिए कोई गड़बड़ी ना करे, इसके लिए कैसे आप गारंटीड होंगे? देखिए सर, एक करप्शन का मामला है, शासन प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मिली भगत से कार्य हो पाए हैं। ऐसे ही किसी मुर्दे का नाम नहीं जुड़ पाएगा या किसी पैसे वाले अरबपति का नाम नहीं जुड़ जाएगा। ये पहला मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। मीडिया ने एक स्टिंग करके खुलासा किया था और चार सेक्रेटरी पर तब सरकार ने कार्रवाई की थी, यानी सरकार की नजर पहले से नहीं थी कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी सरकार कहीं न कहीं सह थी सरकार की, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। ऐसे कैसे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, यानी उनसे बड़े अधिकारियों की नजर उन पर नहीं थी और सरकार की उन अधिकारियों पर नजर नहीं थी, तभी तो चार सेक्रेटरी मीडिया को आखिर स्टिंग करने की क्या आवश्यकता थी? यानी आपसे सजग मीडिया थी, अगर आपसे सजग मीडिया ना होती तो मीडिया स्टिंग नहीं करती, आप खुद ही उनको करप्शन करने से रोकते, आप नहीं रोक पाए तब मीडिया को मजबूरी में स्टिंग करना पड़ा और मीडिया ने देश के जनता के समक्ष आपके भ्रष्टाचार को रखा। चार सेक्रेटरी पर आपने मजबूरी में तब कार्रवाई की, ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी देखिए, लोगों का अनाज अंगूठा, किसी का नाम, किसी का अनाज निकल जा रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो जा रहा है, नाम किसी का है, अंगूठा किसी का है और भ्रष्टाचार करके उसका अनाज खा जा रहे हैं गरीबों का।
आप निचले स्तर पर जब योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही से करोगे और सिस्टम फेल्यूर की जगह सफल होगा, तभी तो आप गरीबों को योजनाओं का लाभ दे पाओगे। वरना ये जमीनी हकीकत पे तो कहीं सफल नहीं होती दिख रही है, हवाई हकीकत पे आपकी सफल होते दिख रही है जिसमें आपका प्रचार हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के समक्ष आएंगी ना या विपक्षी दलों के सामने आएंगी, तो हम तो उस मुद्दे को उठाएंगे। आप या तो उन पर बिल्कुल सही तरीके से कार्रवाई करके उनको योजनाओं को लागू करिए। जब आप लागू नहीं करेंगे तो प्रश्न तो मीडिया भी उठाएगी, जनता भी उठाएगी और पॉलिटिकल दल भी उठाएंगे। तो हमारा कहना सीधा सा है कि आप नजर रखिए, सरकार का काम क्या है, नजर रखिए, उसकी योजना का लाभ गरीब को जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। अब नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, सतीश महाना जैसे अरबपतियों को अगर लाभ मिलेगा तो जनता कुंठा में जिएगी, जनता को लगेगा कि भाई इन्होंने योजना तो बना दी लेकिन इसका लाभ हमें ना मिलके किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा जिसे नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पर अगर वाकई में वो जीरो टॉलरेंस अपना के काम करना चाहते हैं तो उनको नजर रखनी चाहिए और मीडिया का इंतजार ना करें, मीडिया का इंतजार ना करके अपनी जिम्मेदारी निभाए। जाता अगर हम खबर नहीं दिखाते और हम संज्ञान में नहीं लाते तो शायद ही मीडिया नहीं लाता संज्ञान में, तो चलता रहता। शायद ही पांडे जी कोई बात इस पर कार्यवाही की बात करते कि हमारे संज्ञान में है। ये एक कौशाम्बी नहीं, ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जो हमारे संज्ञान में भी नहीं आती हैं। रफत फातिमा, आपके पास मैं आ रहा हूं। योजनाएं बना देने भर से ही काम हो जाता है क्या सरकारों का, या फिर धरातल पर उस पर नजर रखने के लिए कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो बनाया जाता है कि हाँ आप एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, उस पर नजर रखेंगे, देखेंगे कहाँ गड़बड़ी हो रही है कहाँ नहीं, क्योंकि नीचे से रिपोर्ट ऊपर भेजी जाती है और ऊपर ओके कर दी जाती है, नीचे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जमीनी हकीकत इसके विपरीत दिख रही है। जब आप कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो अब ये हालात देख लीजिए कि क्या कितनी मजबूती है, किस तरीके से जनता को ठगा जा रहा है ना। वैसे जिन मरीजों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, केजीएमयू की आपको घटना चाहे याद होगी जहां आयुष्मान योजना के लिए एक पेशेंट गया था लेकिन किस तरीके से उसको भगा दिया गया था क्योंकि उसको वो सुविधा मिली नहीं। तो जब आप कहते हैं कि हम ये गरीब जनता और निचले स्तर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो किसको फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है इसके अंदर। और ये नीचे से ऊपर तक, जब आप राशन का भी, राशन वाला घोटाला हुआ था, कितने लोगों को फर्जी राशन मिला है, तो उसमें भी आप देखिए निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर तक, ऊपर तक बात पहुंची नहीं। और उसको भी कब कितनी कार्रवाई हुई क्या हुई ये कुछ नहीं पता कि कितने को सजा मिली, ऊपर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाई नहीं होती तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है क्योंकि ये एक जनता से जुड़ा सवाल है और इस पर राजनीति इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को सीधा फायदा पहुंचना चाहिए इन योजनाओं का, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप जनता को ये सुविधाएं नहीं दे रहे, आम जनता की परेशानी को उठाना वो राजनीति नहीं होता है, वो राजनीति नहीं होता है। कोई भी आप जिसे उठा रहे हैं, हक बनता है आपके कार्यकर्ताओं का। अगर अलग अलग जिलों में, गांव देहात में, शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपके कार्यकर्ता भी संज्ञान में लाएं, सरकार को चेताएं, देखिए साहब आपकी योजना धराम हो रही है, कैसे औंधे मुख गिर रही है, वहां गड़बड़ी हो रही है, लेकिन नहीं वोट के लिए तो तमाम। अभी आपने कहा ना कि मीडिया अगर ना दिखाए तो ये कैसे, बहुत सारी जगह ऐसा होगी जहां पे सब चल रहा होगा लेकिन मीडिया तक बात नहीं पहुंच पा रही है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसको कम से कम जो भी सत्ता दल है उसको सोचना चाहिए। जी सत्ता दल है उसे सोचना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। आप लोग सहमत होंगे इससे, शायद मेरे पास उतने कर्मचारी नहीं, मेरे पास सहयोगी नहीं, लेकिन आपके पास उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा कार्यकर्ता हैं जो आपको हर वोट की जानकारी देते हैं, हर बूथ की जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसी खबरों की जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। पांडे जी आपके पास मैं आ रहा हूं, अब इस तरह की योजनाओं के लिए आपने कहा बहुत अच्छी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई। आज इस देश में दो तरह के भारत दिखते हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत, और ये हकीकत है। कोई मलाई खा रहा है तो किसी को रोटी तक मैसर नहीं है, और वो क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसी योजनाएं जो इन गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, जरूरतमंदों के लिए बनाई जाती हैं, उनका लाभ उन्हें मिलता तो है लेकिन 100% नहीं मिलता है, और ये हकीकत है। और इसे जानने के लिए चाहे वो कोई भी सियासी दल हो, वो नहीं जानना चाहता, वो नहीं बात करना चाहता, वो सिर्फ बात करना चाहता है तो वोट की बात करना चाहता है, वो सिर्फ वोट चाहता है, वोट के अलावा नहीं। इसीलिए जो भ्रष्टाचारी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, कहीं कहीं तो सियासी दलों के जो लोग होते हैं वही मिले हुए होते हैं, वही करवाते हैं, मेरा आदमी है क्यों।
निश्चित रूप से आपकी बात से मैं लगभग सहमत हूं, क्योंकि जो निचले स्तर पे है वो योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन एक फर्क जरूर है कि पूर्ववर्ती युग में जो भ्रष्टाचार होता था उनका राजनीतिक कनेक्शन होता था। मैं इसी जो जितेंद्र भाई ने कहा है कि जो राशन वाला मसला उसी को बता देता हूं, क्योंकि आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में योजनाएं चलती हैं, पंजीरी बांटी जाती है। अब उसमें पोन्टी चड्ढा ग्रुप को अलॉटमेंट था अखिलेश सरकार जी में, वो मसला सीबीआई न्यायालय के अधिविचाराधीन भी है जी, उसमें जो है पूरी जांच के दौरान 14 लाख फर्जी कार्ड पाए गए हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। और पंजीरी घोटाले में आप जानते ही हैं कि उसमें पशु चारा तक पीस के मिर्जापुर के डीएम का पूरा रिपोर्ट है जी। उसको मानक बनाने वाली संस्था भी सर्टिफाई वही पोन्टी चड्ढा ग्रुप करता था। तो कम से कम हमारी जो सरकार है किसी यादव सिंह को बचाने के लिए न्यायालय नहीं जाती है। अगर आप संज्ञान में ला देते हैं, आप मीडिया है, और बहुत अच्छी बात आपने कही है विपक्ष के लिए भी कि ये केवल मीडिया का दायित्व तो नहीं है। चलिए हम ढक सकते हैं, हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप विपक्ष में है, जितनी भी योजनाएं हैं अगर आप लेके मीडिया के सामने जाते तो एक तो आपका जनाधार भी बढ़ता और सही लोगों पे हम पे प्रेशर भी बनता। तो मीडिया के अलावा इनके भी प्रेशर मार्क है, सरकार तो उनकी भी है जी। सरकार के सामने नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमारा जाता है तो उसका दूसरा तरीका भी है। हमारा तो पूरा पैनल है, पूरा चेन है हमारे बूथ से। जितेंद्र वर्मा जी आती है संगठन, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का जो दायित्व है वो अपना वोट बैंक मजबूत करना, दूसरे को कैसे हराया जाए इसको देखना है, या फिर ऐसी खबरें जो परेशानियां होती हैं जहां लाभार्थियों को नजरअंदाज करके फर्जी लोगों को कार्ड बना दिया जाता है, लाभ दे दिया जाता है, मुर्दों तक को नहीं छोड़ा जाता है, ऐसा काम विपक्षी पार्टियों का भी तो है कि सरकार अगर नींद में है तो उसे जगाए, देखिए साहब ये हो रहा है। देखिए सर, हम केवल यहां आरोप लगाने नहीं बैठे जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में 55 लाख लैपटॉप हमने बांटे थे, सूची निकलवा लीजिए, उसमें किसी तरह का करप्शन न तब सामने आया न इनकी सरकार में सामने आया। 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया गया, आप सूची निकलवा लो, कोई जात धर्म की महिला छूटी नहीं, कोई गरीब छूटा नहीं, और किसी तरह का कोई घटना सामने नहीं आया। सुन लीजिए, उसमें जो आपके बीच में सर नहीं बोला था, आपकी सरकार में जूते मोजे आ रहा था, बस ये महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होता है और भूमिका ऐसी बनाई जाती है कि इतने करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है, उन करोड़ों लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत, ये कह लीजिए कि 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो लाभार्थी न होकर भी उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। वजह क्या रहती है वो आप लोग तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांडे जी आपका भी, रफत फातिमा जी आपका भी, जितेन वर्मा जी आपका भी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत नहीं है, मुर्दों का आयुष्मान भव, ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा है। कई बार ऐसी खबरें आई, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन लोगों के नाम पर कार्ड इश्यू हो जाता है। उन लोगों को एक खबर आई थी, बीजेपी की एक विधायक साहिबा थी, एक घर में एक शख्स की मौत हुई तो शोक संदेश भेजना था, उस वहां भेज दिया गया शुभकामना संदेश। तो ये जानकारी का अभाव है या ये लापरवाहियां हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि धरातल पर क्या हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, बस आप मौज काटिए, इसीलिए ये योजनाएं परवान नहीं चढ़ पाती है। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जय हिंद।